हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 23 को लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 23 में बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स इन कंक्रीट रोड। कंक्रीट रोड में कितने तरह से जॉइंट्स दिए जाते हैं, उन जॉइंट्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक हम बेसिकली डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करिए। जैसे ये आपका क्या है, ये मैं एक रोड का क्या बना देता हूँ, क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ। ये हमारा क्या है, एक रोड है। ये रोड का बीच वाला भाग है, इसको आप मान लीजिए क्या, ये रोड का बीच वाला भाग है। ठीक, और रोड को हम टुकड़ों में बनाए हैं, समझ लीजिए रोड को हमने क्या किया, टुकड़ों में बनाया है, इस तरह बनाया है। ठीक है, रोड को हमने क्या किया, टुकड़ों में बनाया है, इस तरह क्या किया है, हमने कुछ सड़क का कंस्ट्रक्शन किया है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करें तो कुछ अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट्स हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एक वो जॉइंट्स है जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाती है, जो सीधे बिल्कुल जा रही है, जो सीधे बिल्कुल जा रही है। ठीक है, जो बिल्कुल सीधे जा रही है, तो ये जो सीधी वाली लाइन जा रही है, सीधी वाली जो जॉइंट्स जा रही है, इस तरह के जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम कौन सा जॉइंट बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट वो जॉइंट्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, लंबाई की दिशा में देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल हो गया। ठीक है, इसको हम हल्का सा डार्क कर देते हैं जहां से आपको ये समझ में आ जाएगा। ये क्या है आपका, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ये वाली जॉइंट कौन सी हो गई, लॉन्गिट्यूडनल हो गई। अगर हम ट्रांसवर्स जॉइंट की बात करते हैं तो ये वाली जो जॉइंट होती है, ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, इस वाले जॉइंट्स की बात करते हैं, ये वाली जॉइंट कौन सी होती है, ट्रांसवर्स होती है। ये वाली कौन सी जॉइंट है, ट्रांसवर्स, ट्रांस दो तरीके के जोड़ आपको समझ में होंगे। कुछ चीजों के बारे में और हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे एक लेयर ये है, एक लेयर आपकी ये है और दूसरी लेयर ये है, तो इन दोनों लेयर्स को जोड़ने के लिए क्या किए जाते हैं, यहाँ पे छड़ दिए जाते हैं, यहाँ पे क्या दिए जाते हैं, यहाँ पे छड़ दिए जाते हैं। तो जो बार्स यहाँ पे दिए जाते हैं इनको जोड़ने के लिए, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम डबल बार बोलते हैं। ठीक है ना, माने इस सर्फेस और इस सर्फेस को जोड़ने के लिए जो ऐसे छड़ दिए जाएंगे यहाँ पे, जो ऐसे क्या दिए जाते हैं, छड़ दिए जाते हैं। ठीक है, जो बार्स दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे डबल बार होते हैं। वहाँ पे कौन से बार होते हैं, डागल्स बार होते हैं। एक होते हैं टाई बार, टाई बार बेसिकली क्या किया जाता है, इसको इससे जोड़ने के लिए टाई बार दिया जाता है, इसको जोड़ने के लिए क्या दिया जाता है, टाई बार दिया जाता है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बार हमारा होता है, ये हमारा कौन होता है, ये हमारा टाई बार होता है, ये हमारा टाई बार होता है। ठीक है ना, और ये हमारा क्या होता है, डागल बार अपना लेके सीधे लिख लीजिए डागल बार। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, मतलब दो दो किन को जोड़ने के लिए, ये वाली, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल, एक इधर लॉन्गिट्यूडनल, एक इधर लॉन्गिट्यूडनल, तो दो लॉन्गिट्यूडनल को जोड़ने के लिए जो बार देंगे डबल बार, और दो ट्रांसवर्स को जोड़ने के लिए जो बार देंगे वो कौन सी बार होगी, वो टाई बार होगी। ठीक है, ये चीजें समझिए, जिसको नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। अब हम एक एक जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेंशन क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, रैपिंग क्या होता है और कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं, एक बार के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं, तो ही हमारा समझ में आएगा। और जब कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीटिंग किसमें करते हैं, कंक्रीटिंग इसी एग्जाम करती है, ये सब क्या हो जाती है, कंक्रीटिंग हो जाती है, इसी का क्या होता है, कंक्रीट होता है। इसी सतह पे हम क्या करते हैं, चलते हैं। ये जो हमारा ऊपर का सरफेस होता है, इसी सतह पे हम क्या करते हैं, इसी सतह पे हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम आपको क्या बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे ज्वाइंट इन कंक्रीट रोड।
कंक्रीट रोड में कितने प्रकार की ज्वाइंट्स होती हैं। तो बेसिकली क्या होती है, अभी हमने आपको डायग्राम्स बताया, तो हम कितने तरीके के ज्वाइंट्स देते हैं, दो तरीके के ज्वाइंट्स देते हैं। अब बात आती है कि ज्वाइंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ज्वाइंट्स की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो रूट्स होते हैं, रूट्स में ज्वाइंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे वहां क्या होता है, अलग अलग तरीके का वेदर होता है, अदर अदर तरीके का वेदर होता है, और उस वेदर से क्या आते हैं, वेदरिंग इफेक्ट आते हैं, उस वेदर से क्या आते हैं, वेदरिंग इफेक्ट आते हैं। अगर हम बात करते हैं समर की, अगर हम समर की बात करते हैं, तो समर में क्या होता है, जो इनके अंदर छण वगैरह लगे रहते हैं या फिर जो भी मटेरियल लगे रहते हैं, उनको क्या होता है, उनका एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। गर्मी की बात करें तो इसमें छण लगे हैं या डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल लगे हैं, उनका एक्सपेंशन होता है। इसी तरह अगर हम विंटर की बात करते हैं, तो विंटर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, विंटर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो देखा है दो मौसम में क्या हो रहा है, एक में एक्सपेंशन हो रहा है, एक में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसी तरह अगर प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो रैपिंग होते होने लगता है। रैपिंग का मतलब टार्जन होने लगता है या मरोड़ होने लगता है, अगर क्या है, अगर प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लोड का नहीं है तो। और कंस्ट्रक्शन की वजह से कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग 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 रीजन के कारण क्या होता है, सड़कों में ज्वाइंट्स को देने पड़ते हैं। अलग अलग रीजन होते हैं जिनके वजह से सड़कों में ज्वाइंट्स देना पड़ता है। अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है मतलब पानी जो है वो सब बेस में ना चला जाए, पानी जो है वो ना चला जाए, तो क्या होता है, रिमूविंग ऑफ वाटर, रिमूविंग ऑफ वाटर ना लिखिए, रिमूविंग ऑफ वाटर सही नहीं होगा, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लिख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ वाटर, प्रिवेंशन ऑफ वाटर, प्रिवेंशन ऑफ वाटर इन सॉयल सब, इन सबग्रेड, मतलब रोड के सबग्रेड में पानी ना चल जाए, तो उससे बचने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, ज्वाइंट्स देना पड़ता है। और किसके वजह से देना पड़ता है, प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो उसकी वजह से देना पड़ता है, प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ज्वाइंट्स देना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनके वजह से ज्वाइंट्स देना पड़ता है। एक और हमारा पॉइंट आता है, दरार ना पड़े, प्रिवेंशन ऑफ क्रैक, प्रिवेंशन ऑफ क्रैक्स, क्रैक से बचने के लिए गुड स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए, गुड स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए, अच्छी स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, ज्वाइंट्स देना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि क्या करना पड़ता है, हमको देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कुछ चीजें हैं जिनको क्या करना पड़ता है, जिनको कंसिडर करना पड़ता है, इस वजह से हम ये ज्वाइंट्स देते हैं। तो हम सबसे पहले ज्वाइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारा एक्सपेंशन ज्वाइंट्स क्या होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, एक्सपेंशन ज्वाइंट, कि एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या होता है। एक्सपेंशन ज्वाइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रसार जोड़, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रसार जोड़, ठीक है। एक्सपेंशन ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रसार जोड़। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, प्रसार जोड़ क्या होता है, जो हमारी कंक्रीट स्लैब होती है गर्मी के दिनों में क्या होती है, वो गर्मी के दिनों में क्या होती है, उनमें फैलाव आने लगता है, उनमें एक्सपेंशन आने लगता है। तो जब एक सड़क की सतह दूसरे सड़क की सतह से दूर जाने लगेगी, एक्सपेंशन होने लगेगा, तो उससे क्या होगा, उससे ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, उसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो खराब होने लगेगा, ठीक है ना। इस चीज का डर रहेगा कि एक सतह दूसरे सतह से उतर ना जाए, उसमें वियर एंड टियर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, और उस सरफेस के अंदर पानी जाने का डर रहेगा। तो इससे क्या होता है, इस प्रसार से बचने के लिए, इस एक्सपेंशन से बचने के लिए, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रसार जोड़ प्रोवाइड करते हैं, एक्सपेंशन जोड़ प्रोवाइड करते हैं। एक्सपेंशन जोड़ पे हम क्या करते हैं, हर 20 से 30 मीटर की अंतराल पे हम क्या करते हैं, स्लैब की पूरी गहराई व लंबाई में एक्सपेंशन ज्वाइंट लगाए जाते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंशन ज्वाइंट को क्या करते हैं, हर 20 से 25 मीटर की गहराई पर हम इसको देते हैं, एक्सपेंशन ज्वाइंट को, ठीक है ना। तो एक हम एग्जांपल से आपको बता देते हैं कि एक्सपेंशन ज्वाइंट बेसिकली दिया किस तरह जाता है। तो समझ लीजिए क्या है, ये सड़क का एक सरफेस है, ये सड़क का एक हिस्सा है, और ये सड़क का क्या है, दूसरा हिस्सा है,
ये सड़क का एक हिस्सा है, ये सड़क का दूसरा हिस्सा है। अब इन दोनों में हमको क्या करना है, एक्सपेंशन जॉइंट देना है। तो एक्सपेंशन जॉइंट देने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट दे देते हैं। इन दोनों के बीच में हम क्या कर देते हैं, ऐसे एक्सपेंशन जॉइंट दे देते हैं। ऐसे हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट दे देते हैं। और इस बीच में हम क्या करते हैं, इस बीच में हम सीलेंट को भर देते हैं। इस बीच में हम क्या करते हैं, सीलेंट को भर देते हैं। सीलेंट का मतलब क्या, जैसे बिटुमन वगैरह होता है, ये सब क्या है आपका, सीलेंट है। इसके बीच में हम क्या कर देते हैं, सीलेंट को भर देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इसके बीच में क्या है, हमने सीलेंट को भर दिया है। ठीक है, इस बीच में हमने क्या किया है, इस बीच में हमने क्या किया, सीलेंट को भर दिया है। यहाँ पे क्या है, सीलेंट है। ठीक है, सीलेंट है। सीलेंट को क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, सीलेंट को भर देते हैं। और हमने आपको बताया है कि इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, डबल बार का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका डबल बार होता है, ये आपका डबल बार होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डबल कैप बोलते हैं, इसको हम डबल कैप बोलते हैं। और ये दोनों रोडों में फंसा होता है, एक यहाँ पे फंसा होता है और एक हिस्सा यहाँ पे फंसा होता है। यहाँ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनको टाइट कर सकते हैं, इनको ढीला कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक फिक्स कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, एक जगह पे फिक्स कर देते हैं। और ये बिल्कुल एक ही जगह पे रहता है, और ये पूरी की पूरी हमारी क्या होती है, पूरी की पूरी कंक्रीट की सरफेस होती है। तो इसको हम प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हर 20 से 30 मीटर के अंतराल पर, एवरी 22-30 मीटर इंटरवल ऑफ रोड, इंटरवल ऑफ रोड, हर 20 से 30 मीटर सड़क के इंटरवल पे हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक्सपेंशन जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे 20 मीटर हो गया, फिर अगला जो 20 मीटर होगा, इसके बाद जो 20 मीटर होगा, वहां पे हम इस तरह डबल बार से इन दो सतहों को जोड़ देंगे। और यहाँ पे डबल कैप लगा के इसको क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। और बीच में क्या करते हैं, सीलेंट भर देते हैं। सीलेंट में हम इसके लिए क्या करते हैं, बिटुमन वगैरह का यूज करते हैं, बिटुमन का यूज करते हैं, रोड तार का यूज करते हैं, एस्फाल्ट का यूज करते हैं। ऐसे इसमें क्या करते हैं, तीन चार अलग अलग चीजों का हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। और अगर बात करते हैं एक स्लैब को दूसरे स्लैब से बांधने के लिए, तो क्या हम बोल दिए हैं, हम डबल बार का प्रयोग करते हैं। अगर हम डबल बार की बात करते हैं, तो डबल बार जो होता है वो 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर के डायमीटर में अवेलेबल होता है, 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर के डाया में अवेलेबल होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 40 से 70 सेंटीमीटर लेंथ होती है। क्लियर, ठीक है। 20 से 30 सेंटीमीटर के डायमीटर में अवेलेबल होता है, और 40 से लेकर 70 सेंटीमीटर की इसकी टोटल लेंथ होती है। ठीक है ना, इसकी ये वाली जो लेंथ होती है, ये लेंथ कितनी होती है, 40 से 70 होती है। अगर हम इसको मान लें एल और इसको हम मान लें डी, तो डी हमने आपको बता दिया, डी कितना होता है, डी 20 से 30 होता है, डी आपका 20 से 30 सेंटीमीटर होता है। और एल आपका कितना होता है, 40 से 70 सेंटीमीटर के बीच होता है, 40 से 70 सेंटीमीटर के बीच होता है। समझ रहे हैं इस चीजों को। और ये जोड़ क्यों लगाए जाते हैं, ये जोड़ इसलिए लगाए जाते हैं जो कि इसमें कंप्रेशन स्ट्रेस है, उसको क्या करने के लिए, दूर करने के लिए। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, जो इसमें कंप्रेशन स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए। ठीक है ना, कंप्रेशन स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, कंप्रेशन स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, कंप्रेशन स्ट्रेस को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। क्योंकि जब गाड़ियां चलेंगी तो ये कंप्रेस होगा, और जैसे ही कंप्रेस होगा एक दूसरे से दूर जाएगा, पलट के दूसरा गर्मी की वजह से दूर जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस तरह डबल बार्स का लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, डबल बार के लगाने से एक जगह बिल्कुल क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है और ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। तो डबल के बारे में, बार के बारे में जितनी भी बेसिक चीजें थी वो मैं बेसिक चीजें आपको बता दिया हूँ, आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। ठीक है, आगे हमारा आता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट।
कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की हिंदी में बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को हिंदी में हम बोलते हैं संकुचन जोड़। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संकुचन जोड़। हिंदी में बोलते हैं संकुचन जोड़ या फिर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बेसिकली इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? इसकी आवश्यकता पड़ती है नीड्स इन विंटर वेदर। जैसे उसका बताया, उसका हार्ड वेदर में पड़ता है, इसका इसका विंटर वाले वेदर में इसकी आवश्यकता पड़ती है। विंटर वाले वेदर में क्या करती है? जब ठंडी का मौसम पड़ता है तो ठंडी के मौसम के कारण जो होती है स्लैब क्या होती है? सिकुड़ती है। तो इसमें क्या होता है? जब सिकुड़ती है तो इसमें टेंजाइल स्ट्रेस होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें कंप्रेशन होता है। इसमें इसमें क्या करते हैं? टेंजाइल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, टेंजाइल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, या रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब चीजों चीज जब क्या होता है, बिल्कुल जब दो सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये आपका क्या होगा? ये आपका रोड बन गया। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे इसके बीच में बार या कुछ भी लगा है कॉन्ट्रैक्शन में, तो दोनों चीजें क्या होंगी? दोनों अपने तरफ खींचेंगी, ये भी इधर खींचेंगी और ये भी इधर की तरफ खींचेंगी। तो इससे क्या होता है? इसमें टेंशन हो जाता है। तो उस टेंजाइल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम इसका क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली इसको हर एक थोड़ी दूर अंतराल पे हम क्या करते हैं? मोटी गिट्टी क्या करते हैं? मोटी गिट्टी हम बिछा देते हैं, ठीक है ना। 4.5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर में हम क्या करते हैं? मोटी गिट्टी को बिछाते हैं। इसके नीचे हम क्या करते हैं? मोटी गिट्टी को बिछाते हैं। मोटी गिट्टी की अगर हम बात करें, थिक एग्रीगेट, थिक एग्रीगेट विथ सॉयल का लेयरिंग करते हैं एट 4.5 मीटर टू 7.5 मीटर, 4.5 से लेकर 7.5 मीटर के अंतराल पे हम क्या करते हैं? मोटी लेयर को बिछा देते हैं। तो जो मोटी लेयर होती है वो एक्सपेंशन नहीं आने देती है, क्योंकि ये लेयर के नीचे क्या होता है? बहुत अच्छे से चिपक जाता है, जिसके वजह से वो गैप नहीं आता है, ठीक है ना। वो गैप क्या होता है? नहीं आता। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हम क्या करते हैं? इन्हीं दो लेयर्स के बीच में देते हैं। ये दो लेयर्स है, इसके बीच में हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है। इन्हीं के बीच में हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है। समझ में आ रहा? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट यहाँ पे हो गया, एक्सपेंशन जॉइंट कहाँ देंगे? एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ पे देंगे। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्सपेंशन जॉइंट हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? एक्सपेंशन जॉइंट हो गया। ये दो जो बड़े बड़े लेवल पे दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्सपेंशन जॉइंट हो गया। ये हमारा एक्सपेंशन जॉइंट हो गया। और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ जाएंगे? एक स्लैब जो होती है, उस स्लैब के नीचे हम क्या करते हैं? उस स्लैब के नीचे हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देते हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या करता है? ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इसको कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाता है, इसको सिकुड़ने से क्या करता है? बचाता है, ठीक है ना। हमने आपको डिस्टेंस बता दिया कि हर 18 से 20 मीटर पे हम ये चीजें देते हैं। तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया? 18 से 20 मीटर। ये क्या हो गया? 18 से 20 मीटर। 18 से 20 मीटर किसके लिए हो गया? एक्सपेंशन के लिए हो गया, ठीक है। ये दोनों आपका एक्सपेंशन है, सेम एक्सपेंशन यहाँ भी है। ये भी आपका क्या? ये भी आपका एक्सपेंशन है और ये भी आपका एक्सपेंशन है, ठीक है ना। ये दोनों आपको क्या है? एक्सपेंशन है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देंगे और ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देंगे। ये दोनों हमारा क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये और ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हो गया। जहाँ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होगा, ठीक है। चीजों को आप समझ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा चीजों को आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे दिया जाता है। ये चीजें बेसिकली दिखती नहीं है ना, ये चीजें दिखती है, क्योंकि ये क्या होता है? इसको बनाने के बाद हम क्या करते हैं? इसके ऊपर कंक्रीट की लेयरिंग कर देते हैं। तो इसलिए आरसीसी वाली जो सड़क होती है, कंक्रीट की सड़क होती है,
जब आप उस पर चलते होंगे तो बस आपको ये दिखता होगा कि एक सरफेस से दूसरा सरफेस जुटा है या फिर इस वाले से ये सरफेस जुटा है, ठीक है ना। मतलब जो दो बगल बगल में जो लेयर्स होती हैं या जो सामने सामने लेयर्स होती है बस वो आपको जुड़ी हुई दिखाई देती है, उसके बाद और कोई भी चीज आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी उसको कंस्ट्रक्शन कर दिए रहते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब आता है तीसरे नंबर का रैपिंग जोड़ के बारे में, आता है कि रैपिंग जोड़ बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को एक थोड़ा सा और आपको हल्का सा डिटेल बता दें जिससे आपको क्या होगा काफी आसानी से समझ में आएगा। तो समझ लीजिए जैसे ये रोड कोई दो रोड की सतह है, ये एक रोड यहाँ पे है तो एक रोड यहाँ पे है। मैं आपको क्या बोला कि ये वाला जो लगा है ये कौन सा है, ये एक्सपेंशन जॉइंट है। और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या करता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट यहाँ पे होता है, इन दोनों के बीच में होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, और इन्हीं दोनों के बीच में हम क्या करते हैं यहाँ पे लेयरिंग कर देते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में जो जिस चीजों को मैं डार्क कर रहा हूं उस चीज को देखिएगा अच्छे से। ये आपका क्या है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, यही वाला आपका हिस्सा क्या है, ये वाला आपका हिस्सा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। तो इसी वाले हिस्से में हम क्या करते हैं, मिट्टी और मोटी बालू की गिट्टी को क्या करते हैं 4.5 से लेके 7.5 मीटर में हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं 4.5 से लेके 7.5 मीटर के डिस्टेंस में हम इसको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको समझ में आ रहा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हो जाता है। और इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 12 मिलीमीटर की होती है, ठीक है, 12 मिलीमीटर की होती है, वो 1.2 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। क्या होता है ये 12 मिलीमीटर का होता है, ये आपका 12 मिलीमीटर का इसका क्या होता है, थिकनेस होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रैपिंग जॉइंट की, रैपिंग जॉइंट की बात करते हैं, स्टूडेंट सब जाएंगे थोड़ा समय बाद, तो मैं इंक फिल कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, हो गया, आप नोट कर लीजिए। फिर तीसरा पढ़ते हैं रैपिंग जॉइंट कि रैपिंग जॉइंट क्या होता है। तीसरी हम बात करते हैं किसकी, रैपिंग जॉइंट की। रैपिंग जॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐंठन जोड़, रैपिंग जॉइंट। रैपिंग जॉइंट को क्या बोलते हैं, ऐंठन जोड़। इसको बोलते हैं ऐंठन जॉइंट। ऐंठन का क्या मतलब होता है, टॉर्जन। टॉर्जन का क्या मतलब होता है, जब किसी भी चीज पे जैसे पेन है, पेन में हम क्या करें विपरीत दिशा में फोर्स लगाए, एक मूवमेंट इधर लगा एक मूवमेंट इधर लगा, मतलब अपोजिट अपोजिट जब हम मूवमेंट लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐंठन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कपड़े को आप निचोड़ते हैं तो कपड़े को क्या करते हैं, ऐंठन करते हैं। तो ऐसे सड़क पे भी क्या होता है, ऐसे सड़कों पे भी क्या होता है, ऐंठन होता है। जब सही से, जब एक सही तरीके से क्या किया जाता है, एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ठीक है। जब एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्स्ट्रक्शन जॉइंट का प्रयोग सही से नहीं किया जाता, जब इन चीजों का सही से प्रयोग नहीं किया जाता तो सड़कों में क्या होने लगता है, सड़कों में टॉर्जन होने लगता है, सड़कों में क्या होने लगता है, टॉर्जन होने लगता है। इसी टॉर्जन को से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रैपिंग जॉइंट देते हैं। इसी टॉर्जन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रैपिंग जॉइंट देते हैं। और ये रैपिंग जॉइंट्स को क्या, ये रैपिंग जॉइंट्स क्या करते हैं, टॉर्जन को होने से बचाते हैं, टॉर्जन को होने से बचाते हैं, यानी कि मरोड़ को होने से बचाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, टाई बार और डावेस बार का प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सपेंशन जॉइंट्स के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डावेस बार, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट के लिए क्या करते हैं, टाई बार का प्रयोग करते हैं। हमने जस्ट अभी आपको बताया कि जब हम एक्सपेंशन जॉइंट का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, डावेस बार, डावेस बार का प्रयोग किसके करेंगे, एक्सपेंशन बार के लिए, और कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग किसके लिए करेंगे, टाई बार। तो हम क्या करते हैं, डावेल बार और टाई बार का
एक प्रोपोर्शन, एक निश्चित प्रोपोर्शन, प्रॉपर प्रोपोर्शन, एक प्रॉपर रेशियो, एक प्रॉपर रेशियो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इन दो डिफरेंट टाइप्स के बार का। क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो जब हम डावर बार और टाई बार का एक प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, एक सही तरीके से यूज करते हैं, तो इस सही तरीके से यूज करने के लिए, सही तरीके से यूज करने के लिए, सही तरीके से यूज करने से क्या होता है, बेसिकली जो कमियां रह गई थी, किसमें कमियां रह गई थी, एक्सपेंशन ज्वाइंट में और कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट में, इन दोनों में क्या हो गया था, इन दोनों में जो कमियां रह गई थी, तो वो कमियां कहां से पूरी हो जाती है, वो कमियां आपकी रैपिंग ज्वाइंट जो होता है या ऐंठन जोड़ जो होता है उसमें वो कमियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो वो कमियां क्या हो जाती है, इसमें आके दूर हो जाती है। अगर वहां पे कमी रह गई है तो उस कमी को हम क्या करते हैं, यहां पे लाके दूर कर देते हैं। तो इसीलिए जो रैपिंग ज्वाइंट होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब रैपिंग ज्वाइंट की अगर हम बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं रैपिंग ज्वाइंट को, मैं एक छोटे से फिगर से बना देता हूं, समझ लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका कोई रोड है, ठीक है ना, ये आपका कोई रोड का क्रॉस सेक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, रोड का कोई क्रॉस सेक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं ये रोड का आपका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया। एक जो रोड का आपका हिस्सा है वो ये है, एक सड़क का हिस्सा ये है, दूसरे सड़क का हिस्सा ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले डायरेक्शन में जो डावर बार देंगे वो क्या करेगा, आपका एक्सटेंशन ज्वाइंट के लिए प्रिवेंट करेगा, और इधर जो हम मिट्टी, मोटी वाली मिट्टी बिछाएंगे कंक्रीट के साथ, गिट्टी के साथ, वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट से बचाएगा। तो बेसिकली करते क्या है, रैपिंग ज्वाइंट्स में इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट बनाते हैं। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम डावर बार बनाते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, डावर बार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यहां पे हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, डावर बार। हमने आपको बताया डावर बार क्या करता है, एक्सपेंशन होने से बचाता है। पहला केस हम ये किए कि डावर बार प्रोवाइड कर दिया। दूसरा केस क्या करेंगे हम इसी में क्या करेंगे, जो मोटी वाली गिट्टी आती है उसको बालों के साथ क्या करेंगे, बिछा के इस वाले एरिया में हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। इस वाले एरिया में फिल करने से क्या होगा, यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्शन की प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब जिस चीज को मैं बिल्कुल गाढ़े या ब्लैक से कर रहा हूँ वो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ये आपका कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट है, और जिनको मैं गाढ़ा नहीं किया हूं वो आपका क्या है, वो आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट है या डावर बार है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टाई बार का भी प्रयोग कर लिया और डावर बार का भी प्रयोग कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। अब बात आती है ये चीजें आपको दिखती क्यों नहीं है, ये चीजें इसलिए नहीं दिखती हैं कि जब हम इसका लेयर डालते हैं तो इसके ऊपर भी दो लेयर पड़ता है, पीक्यूसी का लेयर पड़ता है, डीएलसी का लेयर पड़ता है। ये चीजें हालांकि आपके टॉपिक का नहीं है, पीक्यूसी और डीएलसी, ठीक है ना, प्योमेंट क्वालिटी कंक्रीट और ड्राई लिंक कंक्रीट, हालांकि ये सब आपको मतलब नहीं है इन सारी चीजों से, तो इसके ऊपर क्या होता है, इन दो चीजों का लेयर पड़ता है, तो इसीलिए ये चीजें हमको दिखती नहीं है, ये चीजें हमको क्या होती है, दिखती नहीं है, क्योंकि सड़क में आप कभी भी देखेंगे तो इस तरीके से चीजें आपको नहीं दिखेंगी कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो बेसिकली जब इसके ऊपर ये लेयर पड़ जाता है तो ये चीजें ढक जाती है, इसलिए चीजें दिखती नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, जो सबग्रेड होता है, सबग्रेड के जस्ट ऊपर वाला जो लेयर होता है वहीं से हम क्या करते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और जिस तरीके से हमने बताया रैपिंग ज्वाइंट में हम क्या करते हैं, इन दो का कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रैपिंग ज्वाइंट आ जाता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा रैपिंग ज्वाइंट आ जाता है। अब चौथा और लास्ट बताते हैं हम आपको कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। देखिए कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं आपका घर ही बन रहा हो तो क्या एक बार में आपका, अगर 2000 स्क्वायर फीट में घर है या 3000 स्क्वायर फीट में घर है तो एक बार में तो घर बन नहीं जाएगा। घर को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते हैं। तब उसी तरह जब सड़क बनती है और खास करके आरसीसी सड़क बनती है, हम बिटुमन की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे भी बिटुमन बनता है तो बिटुमन में क्या होता है, बिटुमन में तो चलो ठीक है एक जगह हम क्या कर लिए, सारा का सारा डंपर में लोडिंग कर लिए और सड़क हमारी बन रही है तो हमने लेयरिंग को बिछा दिया। लेकिन बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लेयरिंग करते हैं लेकिन थोड़ा सा ये टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्क्रीटिंग करनी पड़ती है। तो उस कॉन्क्रीटिंग से क्या होता है बेसिकली, कि सड़क को हम एक टाइम में नहीं बनाते हैं, सड़क को हम क्या करते हैं एक टाइम में नहीं बनाते। जैसे अभी आप लोग ने पढ़ा नहीं है, आप लोग जब आगे पढ़ेंगे सीएम में, अगर आप लोग ने बेसिक पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं कंक्रीट का क्या होता है, सेटिंग टाइम होता है। कंक्रीट का बेसिकली क्या होता है, सेटिंग टाइम होता है। कंक्रीट में दो तरीके से सेटिंग टाइम होते हैं,
एक आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और एक आपका फाइनल सेटिंग टाइम होता है। आपने अलग अलग टाइप का सीमेंट पढ़ा होगा, ओपीसी पढ़ा होगा, पीपीसी पढ़ा होगा। फिर ओपीसी में क्या आते हैं, ओपीसी में लगभग 13 टाइप के सीमेंट आते हैं, 13 टाइप के सीमेंट आते हैं और सीमेंट के तीन ग्रेड आते हैं, सीमेंट के तीन ग्रेड आते हैं 33, 43 और 53। ये सब तो बेसिकली किसके लिए होता है, स्ट्रेंथ के लिए होता है। ये स्ट्रेंथ के लिए होता है तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे जो ओपीसी और पीपीसी होता है। इसका अलग अलग इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। अलग अलग क्या होता है, सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम का क्या मतलब, सीमेंट को हमने खरीद कराया, सीमेंट को पानी में घोला तो सीमेंट इनिशियली क्या हुआ, 30 मिनट में जमने लगा। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे में बिल्कुल जम जाएगा। तो कंक्रीट के साथ क्या होता है, लिमिटेशंस होता है। तो हम सारी सड़क को एक साथ नहीं बना सकते, इसलिए सड़क को हम क्या करते हैं, थोड़े छोटे 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 भाग में तोड़ के बनाते हैं। तो जब छोटे छोटे भाग में हम सड़कों को बनाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, जैसे आज हमने सड़क को आधे किलोमीटर बनाया या 1 किलोमीटर बनाया, फिर हम जब कल आएंगे तो कल आगे का 1 किलोमीटर बनाएंगे। तो रोड का समझिए कि ये वाला हिस्सा हमने क्या कर लिया, आज कवर कर लिया। तो जब हम कल सड़क बनाएंगे तो कल सड़क यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक इन दो सड़कों के बीच में क्या गया, गैप आ गया। तो इन्हीं गैप को भरने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट का प्रयोग करते हैं। फिर जब नेक्स्ट टाइम हम सड़क बनाएंगे तो समझिए सड़क यहां से खत्म हुई है तो अगली सड़क यहां से स्टार्ट हुई, तो फिर इस हिस्से को हम क्या करेंगे, भरने के लिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट का प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन जॉइंट कोई ज्वाइंट नहीं है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट कोई ज्वाइंट नहीं होता। बेसिकली ज्वाइंट आपके तीन ही टाइप के होते हैं, तीन ही होता है, चौथा लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ये तो एक आपका एडवांस ज्वाइंट आ गया कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे तो वहां पे कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता क्या, बेसिकली कंस्ट्रक्शन जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है, जब भी क्या होता है, अब जैसे समझ लीजिए कि आपको कहीं का रोड मिला है 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर का प्रोजेक्ट मिला, मैं मान लेता हूं कि समझिए 5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट मिला है, 5 किलोमीटर का सड़क का प्रोजेक्ट है और आपको टाइम दिया गया है कितने का, 1 महीने का टाइम दिया गया, 10 दिन का टाइम दिया गया, 15 दिन का टाइम, समझिए क्या किसका टाइम दिया गया, 10 डेज का। तो आपको पर किलोमीटर बनाने में कितना टाइम लगेगा, 1 किलोमीटर बनाने में 2 दिन का टाइम आएगा। आप 1 डेज का निकालिए तो क्या आ जाएगा, 0.5 किलोमीटर। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि हमको 5 किलोमीटर का रोड बनाने में कितना दिन लग गया, 10 दिन। इसी हिसाब से 1 दिन का अगर हम रोड बनाते हैं तो कितना जा रहा, 0.5 किलोमीटर। तो अब 0.5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में कितने का अंतर आ जा रहा है, लगभग 10 का अंतर आ जा रहा है, 10 दिन का अंतर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली यही होता है कि जब आप 1 दिन के काम को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर दूसरे दिन के काम को स्टार्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे जोड़ देना पड़ता है। जोड़ क्यों देना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ पे कंक्रीट होती है, जो यहाँ पे ऑलरेडी कंक्रीट होती है, ठीक है ना, जो यहाँ पे क्या होती है, पहले से कंक्रीट होती है, ऑलरेडी कंक्रीट, जो यहाँ पे पहले से कंक्रीट होती है, प्लस यहाँ पे कौन सी कंक्रीट है, न्यू कंक्रीट। अब मैंने आपको क्या बताया, कंक्रीट की अलग अलग इनिशियल सेटिंग टाइम होती है, कंक्रीट की अलग अलग इनिशियल, इसको एग्जिस्टिंग बोल दीजिए, एग्जिस्टिंग यानी पहले से। अब एग्जिस्टिंग कंक्रीट है, आपने रात को 9 बजे बनाया, 9 PM पे, 9 PM पे आपने इसे बनाया और सुबह आया आपने, समझे सुबह आप कंस्ट्रक्शन साइट पे आए 10 बजे, 10 AM पे आए। तो इन दोनों के बीच में आप फर्क देखने कितना हो गया, रात 9 बजे से सुबह 10 तक लगभग 12 आवर्स का, या फिर आप भी इसको 10 मान लीजिए, लगभग क्या हो गया, 12 आवर्स का डिफरेंस आ गया। जो सड़क में हम यूज करते हैं, सड़क में हम ओपीसी यूज करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, वो 8 घंटे में जम जाता है, यहां टाइम कितना है, 12 घंटे, लगभग लगभग वो 40-50% ना मानिए, फिर भी आप क्या मान लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें होती नहीं है, बेसिकली प्रैक्टिकल कुछ और होता है, थ्योरी में कुछ और होता है, तो थ्योरी को पढ़ के हम वो चीजें नहीं कर सकते। मान लीजिए 20-30% क्या होगा, उस सीमेंट ने अपना स्ट्रेंथ ले लिया, तो अब इस सीमेंट ने क्या किया, 20-30% अपना स्ट्रेंथ ले लिया, लेकिन जो नई वाली सीमेंट है इसने अपनी स्ट्रेंथ कितनी ली है, 0%। अभी जस्ट हमने इसको डाला ही है और ये हो गया पूरी रात छोड़े। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों सड़कों में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, जो ये वाली सड़क है
और जो ये वाली सड़क है, तो इस वाली सड़क को आप समझ लीजिए क्या है, ये एग्जिस्टिंग कंक्रीट है और ये कौन सी कंक्रीट है, ये न्यू कंक्रीट है। इन दोनों में काफी फर्क आ जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ देते हैं और इस गैप में क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं। इस गैप में अलग से हम कंक्रीटिंग करते हैं और कंक्रीटिंग करके एक नया जॉइंट देते हैं जिसे हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहा जाता है। अब अगर इसी का अपोजिट हम बात कर लेते हैं बिटुमन सड़क की, तो बिटुमन सड़क में क्या होता है, बिटुमन सड़क में सबसे बड़ा फायदा क्या है, बिटुमन का फायदा है, क्योंकि बिटुमन में क्या होता है, बिटुमन में ऐसी बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी प्रकार के सड़क पे कभी भी लगा के आप जोड़ सकते हैं। तो समझ लीजिए ये क्या है हमारा, हमने बिटुमन की सड़क यहां तक बनाई और कल जो हमको बिटुमन की सड़क बनानी है वो यहां से बनानी है, तो हमको कुछ नहीं करना होगा, जहां से मैंने खत्म किया जस्ट वहीं से हम क्या करेंगे, नई वाली रोड को स्टार्ट कर देंगे। कुछ फर्क आएगा, कुछ नहीं फर्क आएगा, लेकिन कंक्रीट की रोड आप दूर से देख के पहचान जाएंगे कि ये आज बना ये कल बना है, क्योंकि उसका कलर डिफरेंस हो जाएगा, कलर डिफरेंस हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसमें बहुत सारी चीजों का क्या आ जाता है, चेंजिंग आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नए काम और पुराने काम को अलग अलग दिखाने के लिए या अलग अलग शो करने के लिए या ये मालूम करने के लिए कौन सी पुरानी सड़क है कौन सी नई सड़क है, तो हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट का यूज करते हैं। हालांकि कंस्ट्रक्शन जॉइंट कोई जॉइंट नहीं होता है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। अब लास्ट हमारा आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि सड़क की लंबाई की दिशा में, किसकी दिशा में, सड़क की लंबाई की दिशा में जो जॉइंट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट को अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य जोड़, ठीक है। अब देखिए बेसिकली अनुदैर्ध्य जोड़ क्या होता है, अनुदैर्ध्य जोड़ या फिर लॉन्गिट्यूडनल जोड़, ऑलरेडी यहां टॉपिक लिखा है यही से बता देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जोड़ क्या होता है, सड़क की लंबाई, इसको हम यहां पे लिख देते हैं, सड़क की लंबाई की दिशा में, सड़क की लंबाई की दिशा में, अलोंग लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड, सड़क की लंबाई की दिशा में क्या किए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट दिए जाते हैं। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, ये हमारे सड़क का एक भाग है, ये हमारे सड़क का दूसरा भाग है, तो यहां पे एक्सपेंशन देंगे, यहां पे एक्सपेंशन ज्वाइंट देंगे और यहां पे क्या देंगे, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट देंगे, सेम हिस्सा एक नीचे भी बना लेते हैं, सेम एक हिस्सा हमारा क्या हुआ, नीचे भी बन गया। अब आप देख रहे हैं सड़क की लंबाई क्या है, यहां भी हम क्या करेंगे, यहां भी हम एक्सपेंशन जॉइंट देंगे और यहां कॉन्ट्रैक्शन देंगे, लेकिन इन दोनों सरफेस को कैसे जोड़ेंगे, तो इन दोनों सरफेस को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट देंगे, समझ रहे हैं, इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का प्रयोग करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट को जोड़ने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, टाई बार का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, टाई बार का प्रयोग करते हैं। टाई बार होता क्या है, इन दोनों को बांधने के लिए टाई बार का प्रयोग किया जाता है, ऐसे टाई बार को लगाते हैं, और टाई बार जब लगाते हैं तो सड़क की पूरी लंबाई में लगाते हैं, ना कि आधी लंबाई में, ऐसे लगाते हैं, ऐसे हम पूरा का पूरा क्या करते हैं, ऐसे हम टाई बार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी बार आपके ऊपर दिख रहे हैं ये सब क्या है आपके, ये सब आपके टोटल टोटल टाई बार होते हैं। टाई बार का मतलब क्या है, जहां टाई शब्द आ जाए वहां आप क्या समझिएगा, टाई मतलब क्या होता है, टेंशन। टाई का मतलब क्या होता है, टेंशन। जब आप ट्रस पढ़ेंगे या मैकेनिक्स में आपने ट्रस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा टाई बार को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बार बोलते हैं या टेंशन मेंबर बोलते हैं। तो टाई माने टेंशन होता है, मतलब इन सारी चीजों में क्या होता है, टेंशन होता है, टेंजाइल स्ट्रेस में होता है, टेंजाइल स्टेट में होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको टेंजाइल बार बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होती है, सड़क की चौड़ाई की पूरी लंबाई में, समझ लीजिए अगर सड़क की चौड़ाई कितनी है, वी है, बी है, सड़क की चौड़ाई क्या है, बी है, या कैपिटल बी है विड्थ इसकी टोटल, तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी विड्थ में हम क्या कर देते हैं, टाई बार को देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर फिर क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग लेयर होती है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो न्यू लेयर होता है उस हम न्यू लेयर को बिछा देते हैं, और फिर क्या करते हैं, वही पुराना वाला हिसाब है जैसे पुराना बताएं। अब जैसे कि आप यहाँ पे ज्वाइंट दे देंगे तो ये चीजें तो दिखेंगी, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसके ऊपर आप नया लेयर बना देंगे तो पानी जाने की संभावना रहेगी, 10 चीजों की संभावना रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरी की पूरी बिटुमन से, एस्फाल्ट से, कोलतार से, उड़तार, रोडतार, जो भी मिले, जो भी बिटुमन की प्रॉपर्टी होती है उससे रिलेटेड चीजें होती है, इसको क्या कर देते हैं, वहां से फिल कर देते हैं,
हम बस यहाँ नाम के लिए क्या लिख देते हैं, बिटुमन, बिटुमन वगैरह से हम इसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल फिल कर देते हैं। और फिल करने के बाद क्या कर देते हैं, इसके ऊपर हम रोड को बना देते हैं, जिससे ये चीजें हमको क्या करती हैं, बिल्कुल दिखती नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है, ज्वाइंट इन कंक्रीट रोड। अब इसके बाद एक बहुत छोटा सा और टॉपिक बचा है, जैसे एक और आपके आपका टॉपिक है कि रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट क्या होता है। तो पहले ये पढ़ाया जाता था, अब ये टॉपिक हालांकि खत्म हो गया है, नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म हो गया, लेकिन जब हम आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे कि सड़क का कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, मतलब इक्विपमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं, अगला चैप्टर है। तो जब रोड इक्विपमेंट के बारे में बताएंगे कि कितने तरीके के रोड इक्विपमेंट होते हैं, तो ये वाला जो टॉपिक छूटा है ये ऑलरेडी वहां पे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। एक छोटी सी और चीज के बारे में बता देते हैं कि क्रिट वे क्या होता है, हालांकि बता चुके हैं क्रिट वे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद ये चैप्टर क्या होगा आपका, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका, क्रीट पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, क्रीट पे, क्रीट पे। बेसिकली क्रीट पे क्या होता है, अगर हम क्रीट पे की बात करें तो क्रीट पे आपका क्या हो सकता है, बिटुमन का भी हो सकता है और कंक्रीट का भी हो सकता है, ठीक है। बिटुमन का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है। आप जानते हैं जब गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियां सड़क के उस सतह पर चलती हैं जो पक्का वाला भाग होता है, वो या तो सीमेंट कंक्रीट का हो या बिटुमन का हो। और जब वो पटरियां एक दूसरे के मतलब समांतर एक दूसरे के पैरेलल काफी दूर तक जाती हैं, तो उसी भाग को हम क्या बोलते हैं, उसी दोनों पक्के भाग को हम क्या बोलते हैं, क्रीट वे बोलते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रीट वे बोलते हैं। तो गांव वगैरह में देखे होंगे बहुत सारे जगह क्या होता है, क्रीट वे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्रीट वे एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको बता देते हैं क्रीट वे क्या होता है। अक्सर आप लोग ने देखा होगा ये क्या होती है, पहली चीज या तो बिटुमन की होती है या तो कॉन्क्रीट की होती है। दूसरी बात, दो पटरियां एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल्स होती है। दो पटरियों की बात करें मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि टू लेन का होता है, क्या होता है, टू लेन का होता है और दोनों एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का ग्रेडियंट नहीं देते हैं, ग्रेडियंट इसमें नहीं देते हैं, कैम्बर इसमें प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर क्या करते हैं, इसमें कैम्बर को प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट नहीं देते हैं, सॉरी ग्रेडियंट नहीं देते हैं, कैम्बर को प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं सड़क के कंस्ट्रक्शन की, तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा क्या हो गया आपका, क्राउन हो गया, क्राउन आप जानते ही क्या होता है, ठीक है। और इधर क्या करते हैं, इधर स्लोप को हल्का सा कम कर देते, हल्का सा क्या कर देते हैं, स्लोप को कम कर देते हैं, हल्का सा स्लोप को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ड्रेंस बना देते हैं, ठीक है, सेम इधर भी करेंगे, तो बेसिकली बात करते हैं यहां से यहां की बात करते हैं, यहां से यहां की बात करते हैं। तो यहां से जो यहां वाला हिस्सा होता है वो बेसिकली क्या होता है, डेढ़ से 1.3 से लेके 1.5 मीटर करीब होता है, 1.3 मीटर से 1.5 मीटर के क्या होता है, तकरीबन होता है, ठीक है ना। और ये जो ट्रैक बनी होती है, ये ट्रैक किसकी होती है, ये दोनों ट्रैक होती है, वो सीसी की होती है। अगर हम कहीं पे सीसी लिख रहे हैं तो क्या आप समझेंगे उसका मतलब, उसका मतलब आप समझेंगे सीमेंट कंक्रीट, हालांकि मैं लिख दे रहा हूं सीमेंट कंक्रीट, लेकिन अगर मैं कहीं पे सीसी लिख दिया होगा तो आप उसको क्या समझेंगे, कंक्रीट रोड। कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है सीसी रोड, बोर्ड वगैरह में आ जाता है सीसी रोड, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सीसी का मतलब क्या है, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है ना, सीमेंट कंक्रीट का रोड होता है। अब देखिए इसमें भी क्या है, कई सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, कभी कभी जैसे आप लोग देखते होंगे कॉलोनी के अंदर जो रोड वगैरह दिया जाता है ऐसे दिया जाता है, सीसी रोड दिया जाता है, और कभी कभी कॉलोनी वगैरह के अंदर या जो मेन रोड होती है उसपे आरसीसी सड़क, ये दोनों सड़क एक दूसरे से अलग होती है, बस छोटा सा अंतर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम छड़ का प्रयोग नहीं करते, इसमें छड़ का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसमें आप लगा, मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, और ये क्या होता है, ओनली सीमेंट कंक्रीट।
तो आप लोग देखते हैं कॉलोनी वगैरह के अंदर जो सड़कें देती हैं वही वाली सड़कें यहाँ पे होती है, सीमेंट कंक्रीट रोड होता है, इसमें बांस वगैरह का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह होता है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे बीच में हम कैम्बर प्रोवाइड कर देते हैं हल्का सा। कैम्बर प्रोवाइड करने के बाद दो सीधी पट्टियां किसकी प्रोवाइड कर देते हैं, सीमेंट कंक्रीट की। उसके किनारे किनारे साइड साइड हम क्या करते हैं, कुछ भाग शोल्डर का प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, नीचे स्लोप दे देते हैं। तो यही आपका क्या होता है, यही आपका क्रिट वे होता है। क्रिट वे को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं बनाया जाता, बेसिकली ये बनाया जाता है गांव वगैरह में बनाया जाता है, या छोटे कस्बों वगैरह में बनाया जाता है, छोटी गाड़ियों के लिए। किसके लिए बनाया जाता है, स्मॉल व्हीकल्स के लिए बनाया जाता है, स्मॉल व्हीकल्स के लिए बनाया जाता है। बैलगाड़ी का आपने सुना होगा बुल कार्ट, बैलगाड़ियों के लिए बनाया जाता है, और टू व्हीलर्स के लिए मान लीजिए, टू या फिर थ्री व्हीलर्स के लिए मान लीजिए। हालांकि स्मॉल व्हीकल्स में सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन स्पेशली टू या थ्री व्हीकल्स के लिए बनाया जाता है, टू या थ्री व्हीलर्स व्हीकल। टू या थ्री व्हीलर्स व्हीकल के लिए बनाया जाता है। अब अगर इसकी आप बात करते हैं तो बेसिकली आप इसका ज्यादातर प्रयोग कस्बों में देखते होंगे, कस्बों में या गांव में देखते होंगे। बेसिकली जो मेन रोड होती है, अगर कहें कि मेन रोड है, ये कौन सी रोड है समझ लीजिए, ये क्या है आपकी मेन रोड है, ये आपकी मेन रोड है, ठीक है, ये आपकी क्या होगी मेन रोड है। अब इसी मेन रोड से क्या होती है, ब्रांच रोड निकली रहती है, मेन रोड से क्या होती है, ब्रांच रोड निकली रहती है, या इस ब्रांच रोड से किसी गांव के लिए, इस ब्रांच रोड से किसी गांव के लिए समझ लीजिए, ये क्या है आपका विलेज, ये विलेज के लिए कोई रास्ता जाता है। तो यहाँ पे जो सड़क बनाई जाएगी वो सड़क क्या बनाई जाएगी, क्रिट वे बनाई जाएगी, या कभी कभी मेन रोड से ही गांव के लिए डायरेक्ट सड़क बनाई जाती है, तो ये भी आपकी सड़क क्या हो सकती है, क्रिट वे होती है। ये भी आपकी सड़क क्या होती है, क्रिट वे होती है। सेम ये भी आपकी सड़क क्या होती है, क्रिट वे होती है। मतलब कम लागत में जो आरसीसी सड़क बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका क्रिट वे। और इसकी कुछ और चीजों की बात कर, जब हम ये बोल दिए कि स्मॉल गाड़ियां चलेंगी, छोटी गाड़ियां चलेंगी, तो जाहिर सी बात है इसमें ग्रेडियंट नहीं दिया जाएगा, इसकी स्पीड क्या होगी, लो स्पीड के लिए होगा, लो स्पीड के लिए होगा, लो स्ट्रेंथ के लिए होगा। तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, आप ऑलरेडी समझ जाइए कि जब छोटी गाड़ियों का प्रयोग हो रहा है, गांव के लिए प्रयोग हो रहा है, तो छोटी गाड़ियां जब जाएंगी तो कम स्ट्रेंथ के लिए होगा, जो इसका पर व्हीकल लोड होता है वो पर व्हीकल लोड भी कम होगा, इसकी ट्रैफिक डेंसिटी भी कम होगी, मतलब इसमें सारी जो चीजें होंगी वो काफी ज्यादा नॉर्मल होंगी और काफी छोटी चीजों के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है ना। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो आपको पढ़ाना नहीं है, उसके बारे में सिर्फ आपको बताना है, एक इंट्रोडक्शन बताना है, एक मिनट में वो टॉपिक बस खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में कि उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, तो अलग अलग लेयर्स में किन किन चीजों का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दिया कि बेस का लेयर है, तो बेस के लेयर में किस किस मेथड का कंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है, तो बस उसी के बारे में जस्ट आपको बताना है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें टॉपिक का हमको क्या करना है, टॉपिक का नाम लिखवाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेस फोर्स, बेस फोर्स के बारे में, बेस फोर्स, बेस फोर्स आप जानते हैं नीचे से तीसरा वाला जो लेयर होता है वो बेस फोर्स होता है, और उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है वो क्या होता है, वो पेवमेंट का लेयर होता है। तो अगर बेस फोर्स की बात करें तो बेस फोर्स बेसिकली दो प्रकार का होता है, बेस फोर्स बेसिकली दो प्रकार का हो सकता है, पहला क्या हो सकता है ग्रेनुलर, ग्रेनुलर बेस फोर्स। ग्रेनुलर का क्या मतलब है, दानेदार, दानेदार का क्या मतलब है, आपने ग्रेवर का नाम सुना है ना, तो आप ग्रेवर से समझ लीजिए कि अगर हम ग्रेवर का प्रयोग करके कहीं पे बेस वगैरह बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलर बोलेंगे। दूसरा क्या आता है, बिटुमन, बिटुमन बेस कोर्स। बिटुमन बेस कोर्स का क्या मतलब है, जब बेस कोर्स को हम बनाएंगे तो वहां पे भी हम बिटुमन का यूज करेंगे, बिटुमन के साथ कोई एक एग्जिस्टिंग मटेरियल होगा, बिटुमन के साथ क्या होगा, कोई एक एग्जिस्टिंग मटेरियल होगा, कोई भी मटेरियल मान लीजिए एग्रीगेट, एग्रीगेट के साथ हम क्या करेंगे, बिटुमन को मिक्स कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिटुमन बेस कोर्स हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर बात आती है ग्रेनुलर बेस कोर्स की, तो ग्रेनुलर बेस कोर्स यहां से फिर दो तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, दो तरीके से फिर इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। हमने आपको क्या पढ़ाया था, मैकेडम मेथड बताया था, क्योंकि मैकेडम मेथड क्या है, सबसे लेटेस्ट मेथड है जो अभी यूज किया जाता है। तो हमने आपको WBM और WMM के बारे में बताया था, दो चीजों के बारे में बताया था, WBM के बारे में और WMM के बारे में। WBM की बात करते हैं, WBM क्या होता है, वाटर बाउंड मैकेडम, वाटर बाउंड मैकेडम। और WMM का क्या करते हैं, ये होता है वाटर मिक्स मैकेडम। वाटर मिक्स मैकेडम मत करिए, ये बेसिकली WMM मत करिए, इसको BMM कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, BMM कर लीजिए, बिटुमिनस बॉन्ड मैकेडम, बिटुमिनस बॉन्ड मैकेडम। ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बताना चाहिए WBM में क्या करते हैं, चूने के पानी का यूज करते हैं सतह को जोड़ने के लिए, और BMM में क्या करते हैं, बिटुमन का प्रयोग करते हैं चूने के पानी को जोड़ने के लिए, ठीक है ना। अब बिटुमन बेस कोर्स की अगर बात करते हैं, तो जो हमारा बिटुमन बेस कोर्स होता है ये भी दो अलग अलग तरीके से बन सकता है। पहला क्या होता है, अगर हम पहले की बात करते हैं, तो पहला होता है हमारा बिटुमिनस मैकेडम और दूसरा होता है डेंस बिटुमिनस मैकेडम। बिटुमिनस मैकेडम और दूसरा होता है डेंस बिटुमिनस मैकेडम, ठीक है। अब बिटुमिनस मैकेडम क्या होता है, बिटुमिनस मैकेडम में क्या करते हैं, सारे की सारे रोड में जहां भी बाइंडिंग हमको करनी होती है हम बिटुमन का प्रयोग करते हैं। डेंस बिटुमिन बिटुमिनस मैकेडम भी सेम बिटुमिनस मैकेडम होता है, बस इसमें हम क्या करते हैं, रिच मिक्स ऑफ बिटुमन का यूज करते हैं, मतलब जो बिटुमन की मात्रा है वो थोड़ी सी हम ज्यादा बढ़ा देते हैं, बिटुमन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, रोड में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, जो इसका फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है क्या हो जाता है, वो काफी बिल्कुल खत्म हो जाता है, नगड़ हो जाता है। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ तो थोड़ा बहुत भी रहता है वो बिल्कुल नगड़ हो जाता है। तो जैसे इस पर लोड पड़ता है, सारी की सारी लोड को क्या कर लेती है, जो रोड होती है रोड अपने अंदर समाहित कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। अब बात आती है सब आपको पढ़ना कहा, तो ये सब बेसिकली हायर स्टडी की चीजें हैं, बस एक टॉपिक के फॉर्म में आ गया था आप में तो मैं बता दिया, तो ये सब हायर लेवल की चीजें हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं जानना है, बस एक टॉपिक दिया था तो मैंने आपको बता दिया। अभी जो हम लोग यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, क्या यूज करते हैं, WBM कहाँ यूज करते हैं, गाँव वगैरह में जहाँ पर लोड रोड की कम आवश्यकता होती है, जैसे आप देखते हैं रोड देखते होंगे ना, दो महीना तीन महीना बनने के बाद जब रोड पे गाड़ियां चलती है काफी सारे धुएं उड़ते हैं, धूल उड़ते हैं, आंखों में धूल लगती है, जब सड़क पर चढ़ते हैं तो काफी गाड़ी आवाज करती हैं, तो ऐसी पहचान सकते हो क्या होती है, WBM रोड होती है। BMM की बात करें, अगर ये समझ लीजिए ये वन है तो ये टू है, ये लेवल वन की सड़क है तो ये लेवल टू की सड़क है, फिर ये लेवल थ्री की सड़क आती है और ये सबसे लास्ट लेवल फोर की सड़क आती है, लेवल बढ़ता जा रहा आपका, ठीक है ना, बॉटम टू टॉप मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद फिर WBM के बाद BMM आता है। BMM में हमने आपको क्या बताया, सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, नीचे के तीन लेयर सेम रहेंगे, इसमें भी नीचे के तीन लेयर सेम रहेंगे, जो सिर्फ बेस कोर्स वाला लेयर होता है उसी लेयर में हम बिटुमन का यूज करते हैं। इसकी बात करें इसमें क्या होता है, इसमें इसके ऊपर के दो लेयर्स बिल्कुल चेंज होते हैं, इसमें पूरा बिटुमन का यूज करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, बिटुमन का यूज करते हैं। इस वाले में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाते हैं और हम क्या करते हैं, इसमें एडमिक्सचर्स का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एडमिक्सचर, एडमिक्सचर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एडमिक्सचर बेसिकली क्या करता है, जो आपका एग्जिस्टिंग रोड है इसकी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अगर हम बात माने तो एडमिक्सचर का प्रयोग हम इसमें भी करते हैं, एडमिक्सचर का प्रयोग हम क्या करते हैं, इसमें भी करते हैं, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ता, जब किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है तभी हम इसका आवश्यकता मतलब इसका यूज करते हैं, लेकिन जहां डेंस बिटुमन का नाम आ गया वहां पे क्या करेंगे, एडमिक्सचर का हम प्रयोग करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर है रोड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन एंड टाइप, रोड पेवमेंट जो था आपका इसका जितना भी टाइप था जितना भी कंस्ट्रक्शन था ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो कल के वीडियो लेक्चर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।